महावन तहसील के नवागत उपजिलाधिकारी निकेत वर्मा ने पदभार ग्रहण करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने बताया कि वो फिरोजाबाद जनपद के मूल निवासी हैं और 2020 बैच के पीसीएस हैं। इसके साथ ही मथुरा जनपद में वो माट तहसील में उपजिलाधिकारी न्याय के पद पर तैनात थे। अब उन्हें महावन तहसील की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में बताया कि उनकी शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही यहां पर आने वाली जन समस्याओं और किसानों की समस्याओं को समय समय से निस्तारण करने को लेकर प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार यहां आने वाले फरियादियों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। सर, महावन तहसील का चार्ज मिला है आपको, क्या प्राथमिकता रहेगी? अब तक कहाँ रहे, कौन से बैच के रहे, कहाँ के मूल निवासी? मैं इससे पहले SDM न्यायिक मार्ट था, 2020 है बैच है मेरा और अब मेरी ट्रेनिंग भी पूरी फिनिश हो चुकी है। इससे पहले मैं SDM न्यायिक मार्ट के पद पर तैनात था। प्राथमिकता यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका समय सीमा के अंतर्गत त्वरित समाधान करना गुणवत्तापूर्वक और अपने तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण बचाना, इन्हीं सब चीज़ों को प्राथमिकता रहेगी। क्या मानते हैं सर, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखना और बेहतर बनाना और जो उच्च अधिकारी हैं उनके समय पर जो भी दिशा निर्देश आए उनका निर्देश से उनको इम्प्लीमेंट करना और विद इन टाइम उनका पूर्ण करना, ये ही प्राथमिकता रहेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्र है, तहसील जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ किसानों की बहुत समस्याएँ रहती हैं, तो उसको लेकर क्या वही जो समस्याएं जो कानून के अंतर्गत जो हमको जो कानून के अंतर्गत जो हमारे जो कार्यक्षेत्र हैं उन्हीं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्याओं को बेहतर ढंग से निस्तारण करना, उनका समाधान करना, उसको समाधान अच्छा हो सके इसका प्रयास करना, यही प्राथमिकता है।